आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इस तरह से लूज कर्ल्स किस तरह से आयरन की मदद से करते हैं, आयरन मतलब स्ट्रेटनर की मदद से करते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग टोंग या फिर वो कर्लिंग रॉड यूज़ करते हैं ना, उससे बहुत टाइट कर्ल्स बनते हैं जो आजकल इतने ज़्यादा लेटेस्ट फैशन में नहीं है। आजकल आयरन से कर्ल्स किए जाते हैं इसी तरह से, जिसमें लूज कर्ल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो आज आप लोग को बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से कि हम लोग ये कर्ल्स किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट के बाल हैवी है, जैसे मेरी क्लाइंट के या मॉडल के बाल है, तो आप उनको पार्टिंग में डिवाइड कर लोगे। सबसे पहले आप एयर टू एयर पार्टिंग निकालोगे फ्रंट से, और आप बालों को दो हिस्सों में, मतलब आगे दो हिस्से और पीछे एक बड़ा वाला जो हिस्सा है उसको अलग कर दो। बैक से भी आप बालों को पार्टिंग में डिवाइड कर लोगे, ताकि आप कर्लर से जो है ना, मतलब आयरन से जो है वो कर्ल आसानी से कर लो। और अगर आपके बालों में वेव आ रहा है ना थोड़ा बहुत भी, तो आप ऊपर से थोड़ा फ्लैट कर लो, मतलब मोटा मोटा आयरन चला दो। इससे क्या होता है कि बहुत ही फिनिशिंग वाला फ्रेश लुक आता है। अदरवाइज नीचे अगर कर्ल्स और ऊपर से इस तरह वेव आ रहा हो ना, तो फिर वो फ्रेश मतलब मजा नहीं आता है, एक प्रोफेशनल काम नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही हल्का हल्का एक आयरन का हाथ दे दोगे तो फिर बहुत अच्छा सा एक प्रेजेंटेबल लुक आता है। जबकि आयरन हम बाद में भी करेंगे, लेकिन आप पहले भी कर लेते हो तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। अब हमने जो बैक वाली पार्टिंग की है ना, उसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि क्लाइंट के बाल बहुत घने थे, इसलिए मैंने पार्टिंग में काम किया था। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप आयरन को गर्म कर लोगे। मैंने आयरन 230 पे रखा हुआ था, आयरन की जो हीट थी, और ये मेरा आयरन है, इससे मैं रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो भी करती हूँ, मतलब ये प्रोफेशनल आयरन है। आप सबसे पहले इस तरह से पतला सा स्लाइस लोगे और ऊपर से एक आयरन का हाथ मार के उसको फ्लैट कर लोगे, ताकि ऊपर से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग हो जाए। और जहाँ से आपको कर्ल्स बनाना है ना, वहीं से आप अपने आयरन को रख के ट्विस्ट करते जाओगे, आहिस्ते आहिस्ते ट्विस्ट करते जाओगे और नीचे की तरफ खींचते जाओगे। अच्छा, खींचना बहुत सॉफ्टली है और बहुत प्रेशर के साथ आपको दबाना है, ताकि जो हीट है ना हमारे बालों पे लगे। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही गुजार दो, अगर आप ऐसे ही लूज़ गुजार दोगे ना तो कर्ल नहीं बनेगा। जिस जगह पर आपके बालों की हीट लगती जाएगी, आपका कर्ल वहाँ से बनता जाएगा ट्विस्ट होते होते। ठीक है, लड़कियां क्या करती है, जो मिस्टेक्स इवन स्टार्ट में मैं भी करती थी, कि मैं आयरन को सिर्फ गुजार देती थी। जब वो गुजारती थी और हटाती थी तो वो कर्ल बनावा ही नहीं होता था। तो ये बात मुझे कर करके समझ में आई कि हीट लगना बहुत ज़रूरी है बालों के ऊपर। आप ऊपर से बाट उठाओ जहाँ से आपको कर्ल बनाना है। मुझे सिर्फ एंड्स में कर्ल्स चाहिए थे, तो मैं नीचे आकर इसको टर्न कर रही थी और फिर आहिस्ते आहिस्ते ट्विस्ट करती जाती थी, और प्रेशर के साथ मतलब प्रेस करते हुए खींचना है, ताकि जो है ना हीट वो है सारे बालों पे लगे और फिर हमें बहुत अच्छा तक कर्ल्स मिले। आप देखो इतने आराम से इस तरह कर्ल्स बन जाते हैं ना। आपको अगर ऊपर से चाहिए ना कर्ल, तो आप ट्विस्ट ऊपर से कर लोगे। मुझे एंड्स में चाहिए था, इसलिए मैं बहुत नीचे की तरफ आके फिर ट्विस्ट करती थी और फिर उसको खींच लेती थी, मतलब ट्विस्ट करके मैं उसको खींचती थी। अब आप देखो कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। और इसी तरह से मैं अब दूसरे वाले पार्ट पर भी कर्ल करूँगी, सेम हल्का हल्का पतला पतला पार्ट उठाऊँगी, और जहाँ से मुझे कर्ल चाहिए ना वहाँ से मैं ट्विस्ट कर दूँगी इसको, फिर टर्न करते करते फोल्ड करती जाऊँगी अपने आयरन को अच्छे एक प्रेशर के साथ, और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी। ठीक है, नीचे की तरफ खींचूँगी और जब छोड़ूंगी ना तो वो कर्ल्स बन जाता है। ठीक है, आप लोग भी इस तरह करना। मुझे भी इसे सीखने में अच्छा खासा टाइम लगा था, क्योंकि मेरा भी हाथ सेट नहीं होता था स्टार्ट में, बट फिर हो गया। अच्छा, अब देखो इनका बाल अच्छा खासा घना था ना, तो मैंने फिर जो ऊपर वाला पार्ट रखा था ना, उसमें से भी दो पार्टिंग्स निकाली है। अगर हम पूरे ही पार्ट को, मतलब पूरे ही पीछे वाले बालों को उठा के वर्टिकली पार्ट उठाते जाएंगे और करते जाएंगे ना, तो कभी भी कर्ल नहीं बनेगा। आप लोगों को भी जब भी करना है ना, इसी तरह से पार्टिंग में करना है। आप देखो उठाओगे, फिर जहाँ से आपको ट्विस्ट करना है आप टर्न करोगे और फिर आप इसको खींचते हुए जाओगे। लेकिन याद रहे, मेक श्योर रहे कि हीट जिस जगह पर हमें कर्ल चाहिए ना वहाँ पर लगनी ही है, तो आपको आयरन को दबा के चलाना है। ठीक, ये जो कर्ल्स मैं कर रही हूँ ना, इसे हम लूज कर्ल्स कहते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा टाइम तक रहे, तो फिर हमें इस पर मोज़ वगैरह लगाना पड़ता है, मोज़ वगैरह। लेकिन मुझे तो, मैंने कटिंग की थी क्लाइंट की यू शेप में और मुझे उनको एक लुक देना था, तो इसलिए मैंने ये वाला कर्ल्स किए थे लूज कर्ल्स। इससे बहुत अच्छा लुक आ जाता है। आप लोग स्टेप्स कटिंग करते हो ना, तो स्टेप्स कटिंग में भी आप इस तरह एंड्स में कर्ल्स दे सकते हो। इससे बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक लगता है, और जब ये आहिस्ते आहिस्ते खुलता है ना, तो एक बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट होता है। मतलब हमारी स्टेप्स कटिंग के सारे स्टेप्स जो है वो इन्हेंस हो जाते हैं। चलिए जी, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। कमेंट में जरूर बताना आप लोग को समझ आता है या नहीं आता है। अल्लाह हाफिज़।